वेलकम टू मामा नाजिम हिंदी रश। प्लीज़ बधारिए। हस्तियों के घर गृहस्थी कैसी चलती है आज हम आपको बताएंगे, यानी कि मामा नाजिम आपको बताएगा कि उनकी लाइफ कैसी चलती है। सो प्लीज़ वेलकम। तो नजीम, मुझे लग रहा है हमारे अलावा आपके घर में बहुत सारे लोग आए हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी खुद ही कलेक्शन है ऐसा। हाँ, फ्रेंड्स वेंड्स आते रहते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मेरे घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्या है ये कलेक्शन? मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे शूज़ हैं, कहाँ से आए? ये ऑब्सेशन कहाँ से शुरू हुआ? पहली बार ये शुरू से ही है, बचपन से ही है। और मेरी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी, है ना, दिली तमन्नाएँ होती है कि मैं अच्छे शूज़ पहनूँ, अच्छे ट्रैक पैंट पहनूँ, बिकॉज जिम फ्रीक हूँ, है ना, जिम का बड़ा क्रेज़ है मुझे, फिटनेस का। तो मुझे होता है कि मैं जब भी शाम को जिम जाऊँ, सुबह जिम जाऊँ, तो मैं हर बार एक नई कलेक्शन करके जाऊँ, इसलिए मैंने एक कलेक्शन बना के रखी है शूज़ की, है ना। सो जो आप देख रहे हो। तो नजीम, इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? ऑल ऑफ देम, मतलब सारी मेरे फेवरेट हैं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक का पर्टिकुलर नाम हो या कुछ ऐसा कोई शूज़ हो, जितने भी सारे शूज़ हैं ये सारे मेरे फेवरेट हैं जो मैं पहनता हूँ वन बाय वन करके। सारे आपने खरीदे हैं और क्या क्या यादें भी? मैंने मतलब खरीदे भी हैं, मैंने बहुत सारे शूज़ खरीदे भी हैं जिसमें से बहुत सारे फैंस ने भेजे हैं, तो मैं बता सकता हूँ जो मुझे फैंस ने भेजे हैं शूज़, तो मैं वो बता देता हूँ, है ना। बाकी मेरे खरीदे भी हैं। सो जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हो, ये फैंस ने भेजा मुझे, ठीक है। और ये मैंने खरीदे हैं, ये भी, ये कलेक्शन भी, इसमें ये फैंस ने भेजे हैं, ये ब्लैक कलर भी फैंस ने भेजे हैं, और वो आगे वाले शूज़ भेजे हैं वो भी फैंस ने भेजे हैं, और ये मेरे कज़न ने भेजे हैं अपनी फैक्ट्री से बना के शूज़, ये वाले ब्राउन कलर के। सो ये शूज़ मुझे भेजे, ये मुझे लोटोज़ ने भेजे थे, वो वाइट कलर जो पड़ा के। हाँ तो नज़ीम, जब शुरुआत करते हैं आप दिन की, तो लोग इंसान सोचता है कि आज क्या पहना जाए, तो शूज़ कैसे आप सिलेक्ट? ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ मैं, सबसे पहले ट्रैक पैंट सोचता हूँ कि ट्रैक पैंट कौन सी पहनी है मुझे, ब्लैक पहनी है, वाइट पहनी है, ब्राउन पहनी है, या फिर कोई और कलर है। सो उसके हिसाब से मैं शूज़ दिमाग पर डाल देता हूँ मुझे कौन सा कलर डालना है। मोस्टली आप देखते हो ना, जो शूज़ आप देख रहे हो जैसे कि वाइट कलर, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, जितने भी सारे शूज़ हैं, तो मैं सारे पहनता हूँ, मतलब थोड़ा सा कलरफुल होकर मैं जिम जाता हूँ। हमने सुना है कि आप शूज़ किसी को देते नहीं है, मतलब कोई दोस्ती यार आ जाए घर पर तो कह दे कि यार मैं कुछ भी दे सकता हूँ, शूज़ नहीं दे सकता। शूज़ मेरी मतलब सबसे फेवरेट है, जैसे कि लोगों के लिए खाने के लिए होते ना शूज़, तो मेरे शूज़ उसे बढ़ के यार, मैं बिकॉज बहुत सारे शूज़ हैं जो मैंने दिल से खरीदे हैं, बहुत जैसे आप जाते हो शूज़ खरीदने जाते हो, कभी शॉपिंग जाते हो, शॉपिंग होता है कि आपको कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जो आपको बहुत अच्छा, जो डिफरेंट हो, तो मैं उस डिफरेंट में से कोई एक चीज़ खरीदता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, फिर भले ही वो कितनी महंगी हो या सस्ती, मैं डजंट मैटर। इसमें शूज़ ऐसे भी हैं जो आप देखोगे 4-5 हज़ार के भी हैं ना शूज़, इसमें ऐसे भी शूज़ हैं जो 30-30 हज़ार रुपये के भी, 30,000 का भी हैं शूज़ इसमें। तो मेरे लिए मनी इज़ नॉट मैटर, मेरे लिए मैटर करता है वो शूज़ अगर मुझे अच्छा लग जाए, मुझे पसंद आ जाए, मैं शूज़ ले लेता हूँ, बस दैट्स इट। ऑब्सेशन सिर्फ एक ही नहीं है, ऑब्सेशन एक और है और वो है घड़ियों का। वॉचेस का बहुत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कलेक्शन जो मैंने आपके लिए स्पेशली सजा के रखी है, देखिए। तो ये कलेक्शन है जो मेरी घड़ियों की है, तो ये सारी घड़ियाँ मैं मतलब जो स्पोर्ट्स वॉच है जितनी भी, जैसे ये वाली है, है ना, ये वाली हो गई, या फिर ये हो गई, या फिर ये हो गई, ये वाली हो गई, इसमें आधी आधे से ज़्यादा कलेक्शन है जो वो जिम वेयर वाली है, जो मैं पहन के जाता हूँ जिम में, जो स्पेशली मैं ये दो घड़ियाँ हमेशा ऑलवेज मेरे साथ रहती हैं। और इसका एक और कलर है ब्लैक कलर, जो बैग में रहता है मेरे, तो अगर मैं कुछ ही भूल जाऊँ तो वो पहन के जाता हूँ मैं, जो जिम में मेरे साथ होती हैं, या फिर ये वाली होती है, ये मुझे फैंस ने भेजी थी लंदन से, जो देबुली ने लेकर आई थी जब वो गई थी लंदन, है ना, उर्मिला के साथ गई थी वो, और वंदना जी के साथ गई थी, तो उसने मुझे दी थी। और फिर आई थिंक यही कलेक्शन है जो भेजी है फैंस ने मुझे यूके से, और ये भी एक कलेक्शन है जो मुझे यूके से फैंस ने भेजी है, है ना। और मैं बताऊँ आपको, हाँ ये एक वॉच है जो मुझे मेरे कज़न ने दी है, मुझे हर साल वो बर्थडे पे कुछ ना कुछ देते हैं वो लोग, तो उन्होंने मुझे ये अरमानी की घड़ी भेजी थी। सो मतलब ये सारी घड़ियाँ जितनी भी हैं मेरी, सारी कलेक्शन है मेरी फेवरेट है, तो ये भी चीज़ मैं किसी को नहीं देता, मतलब है ना। बेल्टेड भी हैं काफ़ी और चेन वाली भी हैं, आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आती है?
मेरे लिए सारी अच्छी हैं यार, मतलब मैं सारी पहनता हूँ, मेरी सारी खुद की हैं, ऐसी कोई ऐसे कुछ नहीं, ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं ऐसा कुछ कि मैं पहनता हूँ, मैं सारी पहनता हूँ वन बाई वन, जैसे कि मैं बताया कि शूज़ में पहनते, वैसी घड़ियाँ भी होती जो मैं पहनता हूँ। मतलब नजीम, आप अपने फ़ैन्स से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और हम जैसे आपने बताया कि कुछ फ़ैन्स ने शूज़ भी भेजे हैं, कुछ फ़ैन्स ने घड़ियाँ भी भेजी है, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं आपके घर में जो फैंस ने। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वो फरारी गाड़ी बड़ी एक रेड कलर की, ये मुझे पिछले 5 साल से मैंने संभाल के रखी है, किसी फैंस ने भेजी थी है ना यूके से, तो वो मैंने संभाल के रखी हुई है। फिर एक अभी बच्चा है जो एनिमेटेड चीज़ें बनाता है, तो आप देख रहे हो ये चीज़ जिसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। तो नदीम, जब इस तरह के गिफ्ट्स आते हैं आपके पास, जब शुरू हुए थे आने, तब आप कैसा फील करते थे कि ये अचानक से इतने सारे गिफ्ट्स? मतलब कि यार आपको जैसे लगता है कि एक अवार्ड मिलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट है ना, वो आपको मिल ही जाता है जब मिलना होता है, लेकिन जो आपको फैंस आपकी चीज़ें गिफ्ट भेजते हैं या फिर कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें भेजते हैं, कोई भी चीज़ हो चाहे वो छोटी है बड़ी हो, तो मुझे लगता है वो अवार्ड से कम नहीं होती, क्योंकि वो बहुत दिल से। जैसे कि अभी कुछ फैंस ने घड़ियाँ भेजी थी सीके की, उसमें से घड़ी होगी पड़ी होगी यहाँ पे, आई थिंक सीके की घड़ी है, सीके 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 कहाँ भाई सीके, ये पड़ी ये वाली। तो ये घड़ी मुझे और जिया मानी को भेजी थी उन्होंने, एक जिया मानी के लिए भेजी थी, मेरे लिए। तो आई थिंक जब उन्होंने भेजी तो हमें मिल नहीं पाई थी घड़ी, तो फिर उन्होंने न्यूज़ वालों को बोला कि हमने उनके लिए गिफ्ट भेजे, लेकिन वो मिल नहीं पाए उनको। तो कुछ बच्चे थे जो स्कूल कॉलेज के थे आई थिंक, तो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, इकट्ठे करके हमें चीज़ें भेजी, हमें मिली नहीं, फिर दोबारा से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए है ना, और फिर दोबारा से भेजी, आई थिंक इज़ मोर देन 30,000 रुपीज़। और एक स्कूल कॉलेज के लिए बच्चे जब इकट्ठे करते पैसे हुआ है ना, तो मतलब मेरी और जिया मानी की जो घड़ी थी दोनों की 50,000 की तो होंगी, मोर देन 50,000। तो 50,000 उन्होंने कैसे इकट्ठे किए होंगे मैं जानता हूँ यार, है ना। आप अपनी पॉकेट मनी से कैसे बचा के पैसे आप अपने फैंस को भेजते हो, तो मुझे लगता है ये अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेरे लिए, तो इससे बढ़ के मेरे लिए अवार्ड नहीं है। वैसे अवार्ड मुझे मिले हैं, मोस्ट फिट एक्टर के मिले हैं, बेस्ट एक्टर के मिला है, बेस्ट इंटरटेनर के मिला है, लेकिन उससे ही बढ़ के मेरे लिए ये है जो आपको फैंस भेजते हैं। नजीम, हम देख सकते हैं आपके घर पे ना बहुत सारी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं आपकी, जिसमें आप बहुत हैंडसम भी दिख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बॉर्न हैंडसम तो ये मुझे मेरे बर्थडे फैंस ने भेजा था बना के उन्होंने, ये मेरा फैन क्लब है, एक दो लड़की हैं, एक पाकिस्तान से है और एक इंडियन है, बॉम्बे से है ना, हेतल करके, वो मेरे सेट पे भी आती रहती थी है ना, केक भी काटती थी, बड़ी प्यारी बच्ची है ना, और उन दोनों ने ये कलेक्शन इकट्ठी की थी। ये आप ही की तस्वीरों का बना हुआ है? हाँ, उन्होंने बीच में सारी चीज़ें करके इकट्ठी की थी ये सारी, ये भी, और फिर उन्होंने यही फैंस ने फोटोज भेजी थी मुझे है ना। हाँ, तो ये सारी मेरे फैंस भी, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़ के आपके लिए कुछ है नहीं फिर लाइफ में। शाहरुख खान के साथ भी फोटो है, कृति और वरुण। तो ये हमने जब शाहरुख की फिल्म आई थी, शाहरुख और वरुण की दिलवाले, तो प्रमोशन के लिए आए थे है ना सेट पे, तो हमारे साथ उन्होंने शूट किया था काजल और शाहरुख सर ने, तो मैंने उनके साथ जो शूट किया उसके बाद किया, तो साथ में कृति और सिन्हा जी थे अपना, वरुण धवन थे, तो तब हमने शूट किया था ये। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर में जब शूट करने गया था बिग डैडी फिल्म है ना, तो ये है। अवार्ड्स भी बहुत सारे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आई जो दो अवार्ड्स है ये मोस्ट फिट एक्टर के मिले मुझे, गोल्ड अवार्ड्स, वो बाकी आई टी से मिला हुआ, एक आई टी टूट गया है ऊपर से और वो बिग स्टार में मिला था मुझे, बिग स्टार इंटरटेनमेंट अवार्ड्स मिला था स्टार परिवार में, और एक स्टार परिवार का वो पड़ा है, और बस यार इतनी सी कहानी है। एक ये भी भेजा था उन्होंने फैंस ने, और ये मेरी जब फिल्म रिलीज हुई थी तो फैंस ने मुझे हाँ वुडन का बना के भेजा था, जैसे वुडन का ये है ना, तो वैसी वुडन की घड़ी भी मेरे पास है। नजीम, आप फिटेस्ट एक्टर हैं, आपको अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट फिट एक्टर का, क्या करते हैं फिटनेस के लिए? मतलब हम लोग आपके इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ भी करूँ, मतलब डेली रूटीन यही होती है, चाहे काम करो या ना करो, लेकिन दो घंटे आपको जिम में बिताने होते हैं मुझे, तो 2 घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा लगता है हाँ कुछ किया लाइफ में, नहीं तो ऐसे लगता है लाइफ बहुत लेजी चल रही है।
मैं काम करता तब भी आफ्टर पैकअप तो जिम में जाता था, जब काम नहीं भी होता तब भी मैं जिम जाता हूँ। मुझे लगता है फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आज की जो जनरेशन है स्पेशली, क्योंकि आपके ऊपर खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और हमारी तो लाइन ही ऐसी है, तो हमें तो फिटनेस ज़रूरी हमारे लिए। तो फिटनेस ये घर जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब बिल्कुल होमली फीलिंग दे रहा है मुझे भी। आप तो होम ही है मेरी, हमें घर का ही है तो, है ना, तो वो देगी देगा आपको। और बस ऐसी कुछ चीज़ें हैं बना के रखी हुई, कुछ चीज़ें हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाए। फेवरेट कॉर्नर कौन सा है नदीम आपका, जहाँ बैठ के चलते हैं? मैं ज़्यादातर यहीं पे रहता हूँ और मैं अंदर बहुत कम सोता हूँ और फैमिली आ जाती है, जैसे मेरी पीछे फैमिली थी ना, जैसे मॉम डैड ब्रदर सिस्टर सब आए थे, तो तब मैं उनके साथ पीछे बैठता हूँ, लेकिन नहीं तो मैं यहीं बैठता हूँ और मैं यहीं पर सो जाता हूँ। ये मेरा कॉर्नर है, बेड है ये मेरा, नीचे। हाँ मैं नीचे सो जाता हूँ, यही टीवी देखता था, मैं नीचे सो जाता हूँ, मुझे नीचे नींद आती है, ट्रस्ट मी। नदीम घर है ठीक है, और किसे मिस करते हैं लाइफ में, कि इस घर में कोई और भी होने चाहिए? अभी मिस तो मैं अपने यार अभी 3-4-5 महीने पहले माय मॉम वाज पास अवे है ना 4 मंथ्स बैक, तो मैं सबसे ज़्यादा उसी मिस करता हूँ और किसी को मैं ज़्यादा मिस नहीं करता, मतलब वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी। क्योंकि एक टाइम होता है जैसे शाम को मैं 5-6 बजे अपनी मॉम से बात करते करता था, वो जो टाइम है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है वो निकालना, 5 और 7 के बीच का टाइम, बिकॉज मैं ऑलवेज 5-7 बजे 5 और 7 के बीच में उनसे टाइम पर बात करता था, यहाँ जी क्या करो क्या नहीं करो, तो वो मिस करता हूँ। इंशाल्लाह वो जहाँ भी होंगी आपको देख रही होंगी इतनी खुश। हाँ ऑफकोर्स यार, थैंक यू सो मच नदीम हमसे बात करने के लिए, और आपका घर बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। तो देखिए हमारी लाइफ कैसे चलती है, 2 टायरों पे है ना, हमारी लाइफ ऑलवेज ऐसे घूमती रहती है भाई, जैसे मैं घूम रहा हूँ इस पर है ना, तो ऐसे ही है। ये मेरा एक फेवरेट है सेगवे, जब मैं थोड़ा बहुत बोर होता हूँ तो ऐसे दीवारों के साथ बातें करता रहता हूँ, चल के तो कैसी है तू है ना, कभी फैन से बातें कर ली, कभी अपने हाथ से बातें कर ली, और वरुण तो कैसा है, तो वैसे तो शाहरुख सर मिलते नहीं है ना, तो शाहरुख सर से यही बात करते, शाहरुख सर कैसे हो आप, कैसे काम वाम चल रहा है, फिल्म विल्म कैसी चल रही है, तो ऐसे बातें करता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच हिंदी रश मोहम्मद आजम के साथ, थैंक यू, लव यू।